भाई देखो एक मिनट एक मिनट, ये कौन सही है अहमद के नाम से ये क्या भाई आपकी वीडियो है, इतने चौड़े कैसे करा शैन तुम्हें भाई देखो गालियां नहीं देना प्लीज। ओके अबे रिकॉर्डिंग करने से पहले बोलते ना तो क्या हुआ बस गालियां नहीं देना, बाकी उस पे बातें करनी है वो कर ले। ये आ गया भट्टी भी आ गया। YouTube वीडियो ऐसे स्टार्ट हो रही है, गालियां मत देना प्लीज यार। फैमिली फ्रेंडली कंटेंट चलता है चलता है चलता है। एक तो बनती आपकी भी इधर है भाई। अबे मैं यही हुआ था, मैंने जब पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी ना उसमें नहीं स्टार्टिंग सीन में फोन नीचे गिरता है तो वो मैं 6-7 टेक्स कर चुका था, मुझसे वो बात बोल के नहीं जा रही थी फोन गिरा, मैंने बोला बस सही है चलाओ चलाओ यही चलेगा सही था वो अच्छा था अच्छा। अबे वीडियो ऑन करो। मजाक नहीं कर रहा मैं सच्ची, अभी तुम लोग को मजाक लगता है अभी देख रहे तुम्हारे घर में भाई तुम्हें नहीं बता रहा हूँ बहुत खराब नजरों से देख रहा है। अबे यार तो मैं भी मावें कर दी भट्टी वॉशरूम में बैठा हुआ है। अबे भट्टी वॉशरूम भी लग रहा है मुझे तो वॉशरूम वालों पे तरस आ रहा है अदा की पतला हो गया है मैं पतला हो गया पागल हो गया तू खा खा के। अबे अभी तो क्लीन शेव की हुई है नीचे डबल लगे वैसे अबे अभी तुम लोग कैसे इंसान के बच्चे लग रहे हो सारे, मैं तो अभी कबीर सिंह जैसा हो गया हूं कुछ। अबे गो दाढ़ी नहीं रहना ऊपर से, मेरी दाढ़ी मुझे आज साफ करनी थी आज मैं नहाई नहीं, धूप में नहीं निकलते ना यही काम है से शेव कर। राइट नाइस। अबे यार अबे आसान शक्ल दिखा दी अपनी अल्लाह माफ। मैं आज सुबह से कहानियां सोच रहा था दो, आसान तुमने जो आईडिया दिया था ना वो हां 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 मैं सोचा चल छोड़ कल परसों बना दूंगा इतनी देर में कुछ भी बनाना छोड़ दिया मैं कुछ भी नहीं बना पाया। जाओ जाओ माँ देना बढ़ती है भाई इतनी इतनी वाहियात चक्कर बनाई है तो शुरुआत करो टॉपिक छेड़ो कदापि बोलेगा अल्लाह का हाँ ऐसा बना कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दो यार प्लीज कुछ तो मीनिंगफुल हो जाए इसमें कितना पढ़ोगे तुम कितना पढ़ोगे क्या अरे बस कर वही कुछ चुरा ले अबे अबे शयान कसम से मैं भी अभी यही कर रहा था दूसरे कोड ना पढ़ रहा था ताकि मैं अपने कोड में छाप सकूं नहीं मैं इसका समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या हुआ। मेरा दोस्त है उसका कंप्यूटर दोनों खराब हो गए तो उसने मुझे LMS की आईडी दे दी कह रहा है कि तुम जो भी बनाओ मेरा भी वही डाल देना एग्जैक्ट। अब मैं बताऊं और मेरा TA इतना फारिग है ना ऊप का उसने मेरा ना एनर पहले एक बार दोस्त का ना ऐसे छाप के डाल दिया पूरा उसको तूने चेक भी कर लिया मतलब तुम दोनों का तो पूरा सेम सेम था कैसे लगियो तुम मेरे नाम पे ध्यान अरे आपने असाइनमेंट भी तो सेम दिया था उसको टास्क दिया सही कह रहा है सर असाइनमेंट भी तो सेम दिया है आपने
ओ भाई वो तो तुम मतलब अब लोग फिर भी ना। साल से अलग कैसे बनाएंगे कुछ सोचे हैं? हाँ यार अबे आपको पता नहीं भाई मेरे साथ क्या हुआ भाई, मेरा तो सिर्फ आइडिया सेम था, पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी भाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई बता रहा हूँ। महीने लग गए मेरा असाइनमेंट चेक नहीं कर रहे लोग, उसका वार्निंग दे दी मुझे, पता नहीं चलो तुम 3 साल में और करो, 3 साल से तेरे आधे साल से तेरी कराची में निकलते। अबे अब मेरी गलती थोड़ी है, कोरोना निकल गया, फायदा हो रहा है। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। अबे कार्डी बी ना, नफरत है कार्डी बी, वो वीडियो मैंने देखी नहीं है कार्डी बी के लिए। बॉल पट्टी मैं बोल रहा था, तुम हमेशा मनुष्य क्यों लगते हो? मैं रात के एक बजे लोग बोले तुम दोनों बहुत मिलते हो अभी बट्टी। हम मुझे लोग बोलते हैं हम दोनों मिलते हैं, हमारी मेरी बहुत बुरी किस्मत है, आवाज ही नहीं है। हेलो हेलो आवाज, ये ऐसी बातें सुनता ही नहीं, सॉरी। कज़ाफी को देख फुल फोकस्ड। अबे मैंने कज़ाफी को देखा था शायद मोदी की वीडियो में, देखा था किसकी, शायद मोदी ने कैमरा कज़ाफी की तरफ किया, कज़ाफी की शक्ल के तोते ही उड़ गए, कज़ाफी था ही। फिर मोदी ने अपनी तरफ कैमरा कर लिया, कज़ाफी मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। कौन सी वीडियो है यार मुझे भेजो भाई, मैं जिस हवस से अभी बोले ही ना ये बात नहीं भेजना भाई वीडियोस को, कुछ नहीं पता क्या करेगा। आप सारे हवस के पुजारी हैं। जो बात है, जो बात है। ओ भाई बस 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 कंट्रोल कंट्रोल। मोबाइल यू आर टॉप ऑफ द लाइन ओके। अबे अभी चलता है यार, अभी हम तुम्हारी वीडियोस हम ही देख रहे हैं भाई, हम लोग जो बातें कर रहे हैं गालियां वालियां देना चाहे हम YouTube चैनल बनाया है अबे मैं हम अभी देख ये देख ये देख क्या पूछ रहा है YouTube चैनल बना मजाक यार अबे भाई पढ़ते आया ये वो अबे इनको मैंने बताया नहीं है ना, उन्होंने वो देखिए लाइव चल रही होती है आदम असलम के नीचे लोग जो लिख रहे होते हैं आपको तो सिंगर होना चाहिए। अबे कदा इन लोगों को अभी तक पता नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने बताया नहीं। ओ भाई आप यार अब अच्छा आपने ये नहीं बताया कि यूट्यूब चैनल बना लिया और रिकॉर्ड करो उसके कंसेंट के बगैर, आपको शर्म नहीं आती? हाँ हाँ भाई अबे तू अपनी शक्ल पे क्यों कॉपीराइट मारेगा, मैं इसका बताता हूँ रुक जा। अबे तो ये कौन सा औरत है कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। अबे और अगर ये मैं नहीं कहता लेकिन आगे बात समझ गया जाहिर से। फीमेल व्यूअर्स अफेंड ना हो जाए भाई मेरी तो माँ भी वुमेन है, मेरी तो बहने भी वुमेन है, सब वुमेन है अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा नहीं रखता था मैं, डबल चिन तुम्हारा जाए ना। मेरा नेट मरवा रहा है यार, शिट यार शयान, डबल चिन वाली बातें आप कर रहे हो। अबे भाई मेरी दाढ़ी चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ भाई दाढ़ी मत उड़ाओ, कवर हो जाती सारी चीजें, बता रहा हूँ बहुत लाइफ हैक, लाइफ हैक सारी लाइफ हैक्स बाय टोनाडी, सही बोल रहा है वे। दाढ़ी रखो भाई सब छुप जाएगा।
अबे भाई अबे एहसान क्या बोल रहा है क्या बोल रहे क्या बोल रहे नहीं भाई तेरी तेरी ऊपर की बातें हो रही हैं क्या नाम है भट्टी भाई इस वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा आपको ये मोनेटाइज नहीं होगी वीडियो शायन स्टार्टिंग में लग गए शायन के पक्का लगा पहले बोल दूंगा भाई इस वीडियो में पकार कंटेंट है आप तो नहीं देखना तो नहीं देखिए मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा अबे तो ये सब लेकिन व्यू आना चाहिए भाई व्यू देके भाग जाओ आप सारे अगर तुम्हें वैसे शयान अगर तुम्हें हम लोगों के साथ वैसे इन सब के साथ कोई क्लीन वीडियो बनानी ना तो वीडियो ऐसी होगी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब बस खत्म अच्छा हो गया तो ना तू ऐसी क्लीन वीडियो बनेगी कोई कुछ नहीं करेगा अपलोड लोगों को बन फॉलो करना शुरू कर दिया अबे यार बोल रहा हूँ क्या भाई भरा अबे पहली दफा मेरा कोई ऐसा पोल हुआ 100% जो है ना यस आए मुझे नहीं पता क्या हो अभी तो 100 में से 10 तो हम ही थे 10 ने वोट किया होगा आना है अबे होता ही यही है 300 फॉलोअर होते हैं 10-20 वोट आते हैं क्या फायदा यार क्या अभी देखो खिलाफी तुम इस वीडियो शुरू करो ये अच्छी वीडियो अबे चैनल भेज दो ना एक एक करके देखेगा तो आने प्रोग्रेस मैं तो चैनल भेजता हूँ एक लर्निंग कर्व देखना तो अबे कहाँ देखो मैंने देखा पहले ये बताओ लो हाँ सब कहाँ चले गए ये रहा भाई अरे तेरी वीडियो तेरी वीडियो आसान किसको बुलाया तुमने क्या अबे किसी एक सेकंड रुक जा अबे भाई मैं माला को लिंक भेज रहा हूं अगर माला आ जाए तो देखो वापस माला आ जाए पूरी टीम पागल है पता नहीं क्या अबे हां माला को इंस्टा पे भेजता हूं मैं लिंक अबे माला नल्ला है ना फोन उसने तोड़ दिया अपना अपनी अम्मा का फोन इस्तेमाल करता है अबे पता नहीं क्या क्या बोले अभी तो नया फोन लेके गया था उधर उधर जाते ही पहले 2 महीने में तोड़ दिया फिर रिकॉर्ड लिया वो ही अजी मैंने कहा भाई क्या करता खा जाता है क्या ये जो है ना ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो है जिसका मैंने तुम्हें लिंक भेजा है कौन सी कजाफी को ये सेकंड लास्ट है इसके बाद एक और है वो देखो फिर पहली से देखना आला फॉरेन कह रहे आ गया भैया आया ए, तो आ गया अरे जिनका नाम लिया तुमने लो माला आ गया अरे माला इसकी बॉल वॉल्टर ब्लैक करुणा मोबाइल में क्या कर रहे यार ये वे माला यार कलर में आ रहा है भाई माला लेकिन फर्क नहीं पड़ा तब ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है यार आज अब्बा का मोबाइल है अबे माला तूने बाल और फिर से काट लिए नहीं घर बैठे बैठे मशीन मारते हो अबे ब्लैक एंड व्हाइट थी उसका पिक्चर तभी देखने लगा माला बगैर सुन फोन सही हो गया तेरा हाँ फोन सही हुआ तेरा अबे भाई सारी दुकानें बंद है तू बता कौन फोन सही करेगा मेरा तू मुझे ये बता सैमसंग वाले भी बंद करके बैठे हुए हैं यार मारा
कैसे तो मुझे बता भाई मुबशिर कैसे चल रहा है इसके टाइम मुझे बता भाई लोग जो है सीरीज पे सीरीज खत्म कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर मैं कुछ और सारी वीडियोस देख ली वो सपने कर लिए भाई अबे मारा लेकिन तुम कैसे गुजारा कर रहे हो क्या मैं वही तो पूछ रहा हूं नहीं लेके जाते लास्ट टाइम याद नहीं बताया था लैपटॉप पे सारी वीडियोस सारे शो सब कुछ देख लिया हां लैपटॉप शुक्र चलो वो कैसे करता है तू ये ओ भाई माला माला ये रिकॉर्ड हो रही है कॉल थोड़ा आसा कर लेना प्लीज अबे देख अच्छा रिकॉर्ड पार्ट काटना एक चीज होती है ना काट दे अबे तो क्या कितना काट काटता है वीडियो ये रिकॉर्ड क्यों हो रही है मुझे ये समझ नहीं अजीब सा लगेगा अचानक से बात चल रही थी किसी चीज पे उसको बता दो बीच में इतना बड़ा कट आ गया अब कुछ और बात चल रही है रिकॉर्डिंग चल क्यों रही है ऐसा वालों ने मांगी है ए शायान पता है अभी तक चैनल है यार वर्ल्ड वाइड चैनल है शायान वो जो नहीं होता जेक पॉल वगैरह डॉल्फिन नॉइजेस डाल देते हैं सरगंड निकले तो भी ये कर सकते हैं डॉल्फिन वॉइसेस की टाइम जिसके पास है नेचर की वीडियो बना दी है लाइक दो मैं चल चुका हूं जरा सा ये वीडियो हां दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल ज्योग्राफिक चैनल शाहरुख खान कौन है शाहरुख खान जो सनी लियोन बना हुआ ना कजाफी अहमद कजाफी जो बना हुआ ना लो नेक बनियान अच्छा अच्छा मैं भाई अब तो मैं भी भाई अब तो मैं भी मुझे भी दिखा यार मैंने तो भाई मैंने ऊपर तक पहन लिया मैंने मैं तो कुछ ऐसी वो भाई शायान को लग रहा है कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है अबे ठंडी पाने पागल हां भाई बॉडी सेट क्या चल रहा है चश्मे तो पहने अबे मारा यार नाइस यार वेरी नाइस क्या वो मिस कर दिया मैंने कुछ यार मुझे बस एक बात बता दो छठा बंदा कौन है छठा बंदा है हमारा दिल भक्ति है भाई अच्छा टट्टी शायान को देख शायान भाई आप रियलाइज कर लीजिए तो कहीं नहीं जा सकते यूट्यूबर्स बात करते हैं अदला बट्टी ये शायान के एडिटिंग में बहुत सारे जमकट्स होने वाले हैं हां भाई ऐसे ऐसे ना ऐसे रॉड और कसम मैं तो चाहता हूं पाइथन पे पढ़ा दे भाई पाइथन बहुत आसान है भाई अब बात करोगे तमीज के टॉपिक पर अबे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना मेरे मेरा है ना बहुत वो है नेट है ना बहुत ट्रैश है तो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है लेकिन रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है सबका नेट मरने वाला है अच्छी सब इतनी शादी से करते सबको नेट की और अभी इतने सारे यूजर्स हैं लोग घर में बैठे हैं चलो लेट्स टॉपिक छेड़ते हैं भाई हसन हसन का ए लेवल्स जो है ना मसले कर रहा है तो अब हसन हाँ, क्या करें कैंब्रिज की बुराई करो बहुत बच्चे आएंगे ओ लेवल वाले लाइक्स मतलब हसन तुम क्या दे रहे हो तुम कौन से दे रहे हो सब्जेक्ट्स मैं अभी से दुआ कर रहा हूं मैं मैट्रिक दे रहा होता इंटर कर रहा होता अरे यार हसन वो इंटर तो भाई सोच है कुछ भी नहीं करना पड़ता कोचिंग जाओ शाम में पूरी रात अभी कुछ जॉब जी रहे हैं अभी क्वारंटाइन में लाइव जी रहे हैं यही होती है उनकी भाई रात में जागो अगर आप शरीफ हो तो फजर पढ़ो क्वारंटाइन में जाओगे लेकिन आप सुबह सो कोई कॉलेज वॉलेज नहीं अटेंडेंस का मसला नहीं आप जाए फिर कोचिंग में जाके पढ़े अजीब हमारे तो साथ तुम मजाक लगाओ है अबे हाँ वैसे एक एक बात बताओ क्या कहते हैं हम लोग में से जो बाहर चला गया चलो उनके लिए तो ओ लेवल ए लेवल काम की चीज है लेकिन तुम लोगों के लिए किस काम की चीज है भाई इतने क्या फालतू में तुम लोगों का टाइम जाया होगा किन लोगों के लिए भाई सही बात है और पैसे पैसे सबसे ज्यादा पैसे जाया किए मिक्सर ने ओए इतना लूटा है ना सबसे यार बाप बोलूं जो बाहर गए जो यहीं रुका है कोर्सेज जो होते हैं मोस्टली वही होते हैं अब तुम एमटी 101 है हमने भी पढ़ाई इन लोगों ने भी नहीं पढ़ाई जो बाहर गए हुए
शान ने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, तो बाहर गए मुबशर हो तुम बात नहीं समझ रहे माला, तुमने भी पढ़ा है। हां बोल दिया तो आई भाग बीसी वॉशिंगटन डीसी, वहां पे जाना था मुझे पढ़ने के लिए। तुम लोग यूनिवर्सिटी में कोई फायदा नहीं होना, फिर भी जा नहीं रहे, तुम्हें वही पढ़ना पड़ा ना जो ये इंटर विंटर वाले पढ़ते हैं। अभी वैसे मुबशर मैं तुम्हें बताऊं, अगर हमने इंटर मैट्रिक इंटर किया हुआ होता ना सही है, तो हमें स्कॉलरशिप आसान ज्यादा आसानी से मिल जाती मुनाश में। अबे हमारी बुराई क्यों कर रहे हो? अबे बुराई तो बुराई, देखो बुराई तो बुराई होती है, तुम समझो, तुम ये बात को समझो सही है। ओ लेवल ए लेवल ओ लेवल का अब तो कोई जगह भी फायदा नहीं है, लाइक लेजिट कोई भी जगह फायदा नहीं है। आपको यूएस कनाडा, यूएस कनाडा या यूके में जाना है, आप सैट दे दो, आईएलटीएस दे दो, सही है, वहां पे हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाना है, आईएलटीएस दे दो, हो जाएगा। भाई मैं आपकी बात पर अग्री करता हूँ कि बाकी यूएस यूएस उन जगहों में भी जरूरत नहीं, लेकिन यूके में जरूरत होती है, यूके वाले हरामी। मैं एक बात कह रहा हूँ, उत्तराखंड देखो मेरी बात समझो। अबे तू तो दोनों को बात कर रहे ना, मैं तो चुप हूँ भाई, वो दोनों बात कर रहे ना, बात कर रहे हैं। मुबशर को किस बात पर बोल रहे हैं? छह, अबे मुबशर को मैं बात बोलूँ, उसे 5 यूके यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था क्योंकि उसको जाना था यू। अच्छा चलो चलो मुबशर मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, अबे सुनो ना, सुनो सुनो सब सुनो सब सुनो, देखो मुझे अभी तक। हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात देखो, एक नॉर्मल एवरेज बंदा सही है यूके वैसे भी नहीं जा सकता सही, क्योंकि यूके में कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़ो, देखो आप अगर कोई बिल्कुल बकवास से बकवास यूनिवर्सिटी में जाओगे यूके की सही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, IBA है, लम्स है, नस्ट है, यहाँ चले जाओ सही है, यही के चले जाओ। बिल्कुल सही कह रही है। और अगर अगर यूके में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, यानी वो लोग ना लूटते हैं, लूटते हैं, लेजिट लूट रहे हैं पैसा सही है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप ये बात नहीं कर सकते, नहीं निक्सर वाली देखो, निक्सर वाले भी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, निक्सर वाले भी अफोर्ड नहीं कर सकते सही है। निक्सर में भी 75% पब्लिक, 75% जो आवाम है ना, वो यूके की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। अबे मैं निक्सर की बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ निक्सर की बात कर रहा हूँ। सही तो कह रहे हैं, वो स्टार क्वारंटीन में वो मीम आया था ना कि ए स्टार ए वाले इस बच्चे का नस जी की लम्स आईबीए में और सीडी वाले हम सब बाहर चले गए। हां हां ऐसा ही होता है, ऐसे अफोर्डेबिलिटी पे बात होती है भाई। भाई मैं आईबीए में हूं सही है ना। हेलो हेलो, अबे तुम आईबीए वाले तो, अबे तुम तो लेजेंड हो ना, चल आईबीए आ गया। मैं तो लेजेंड भाई, नुक्कड़ दे रहे थे ना, लिटरली नुक्कड़। शान ने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब शान ने ना नर्स दिया, ना जीके दिया, ना कुछ दिया। शान ने आईबीए के लिए एक दिन पहले मुझे कॉलेज में पूछा, यार ये फॉर्मूला बता दो और ये मुझे प्रोबेबिलिटी समझा दे। उसके बाद अगले दिन शान आता है चौड़े में, और एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद जब शान परेशान, घर वाले परेशान, शान खुद परेशान। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ना पता ही नहीं था मेरा टेस्ट पास हो गया। मुझे मेरे दोस्त से मैसेज किया, ओए ओए भाई आईबीए में हो गया लड़के का, मैंने कहा है क्या बात कर रहा है, नहीं यार टाइम मजाक करने का, सोचो चलो हो गया। पहले ग्रुप पे आया था शयान जुबैर का, हो गया शयान भाई को खुद यकीन नहीं हो रहा, नहीं नहीं ये दूसरा वाला शयान होगा। अबे भाई मैं मान से बता रहा हूँ, मुझे ये तो था कि शायद टेस्ट पास हो जाए, मगर इंटरव्यू से मेरी जो है ना बहुत बहुत हालत खराब थी। उन्होंने सबको लुटकाया था इंटरव्यू में, अरहम था, अली अब्दुल्ला था, और कौन था। अभी मैंने तो जब निक्सर में इंटरव्यू दिया था ना, मैंने तो जब निक्सर में इंटरव्यू दिया था तभी मेरी तो फट रही थी, मैंने तो सोचा था अबे भाई अब क्या करूंगा निक्सर में, तो इतना बकवास इंटरव्यू। सीरियल में भाई का इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ था सीरियल में, अगर मैं उनको वहां पे इंटरव्यू में बोलता ना मुझे 25% स्कॉलरशिप दे दो, वो लोग उसी वक्त दे देते सही है, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ था भाई का। निक्सर का इंटरव्यू इतना कचरा था। अबे हां बाकी जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू दिया था ना, जिस बंदे ने सीडर में मेरा इंटरव्यू दिया था ना, वो तो ऐसा खुश हुआ था मुझसे, उसने तो कहा था भाई इंजीनियरिंग का बॉय है ये, लेकिन इसको बिजनेस बिजनेस पढ़ना है, शौक है ये वो,
फैमिली बिजनेस करना है इसको तो भाई ऐसा चौड़ा वाला मतलब मेरा कैसे होता अबे मैंने जो है ना मैं सोच ही गया था कि आपने जो है स्पोर्ट्स के उस पे वो करूंगा फोकस करूंगा कि ना क्या हुआ स्पोर्ट्स से मेरे ज़ारा सलीम चली गई मेरे उसमें ज़ारा सलीम चली गई अब मैं तो बात स्पोर्ट्स में मैंने ना मैंने खुद बताया उसको कि भाई वर्ल्ड टीम में ऐसा नो बोलिए अच्छा एंड और उस पर बढ़ गई वो आ गया एक टाइम उस पर मेरी तो गांठ गई अबे मैं तुम लोगों को बताता हूँ मेरे ना शायद दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बकवास इंटरव्यू था मेरा मैंने पहले तो ना अपनी एप्लीकेशन में ऐसे ही नहीं लिखा था मैंने पढ़ा ऐसे ऑप्शन है मैंने छोड़ दिया मैंने भी किया था उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी ना मेरा इंटरव्यू किया नासिर गनी ने अब जैसे ही बैठे उन्होंने पूछा कि अपना आखिरी स्कूल का रिजल्ट दिखाओ और मैं तो माशाल्लाह धड़ाधड़ एफ उसमें अबे मैंने बोला लो भाई इन्होंने ओ लेवल के पुराने ग्रेड्स देखे ही नहीं जो स्टेट है मैं दिखाने गया था वो उन्होंने देखे ही नहीं उन्होंने वो देख लिए अबे मैंने बोला चल भाई तो बहुत मुश्किल है फिर उन्होंने मुझसे पूछा निक्सन नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे अब मैंने इसका जवाब सोच के आया था दिमाग में कि मुझे ना 70% स्कॉलरशिप मिल जाएगी बीकन हाउस में वहां चला जाऊंगा मैंने स्कॉलरशिप वाला पार्ट नहीं बताया मैंने बस ये बोल दिया बीकन हाउस चला जाऊंगा बस ओ तब तो उनके ऐसी छाती चौड़ी हो गई उन्होंने बोला अच्छा सही है चलो उसके बाद उन्होंने कंडीशनल ले लिया मुझे अबे मैंने तो मेरे इंटरव्यू भंड तुम्हारा तो इंटरव्यू बकवास हुआ था ना मैंने तो भंड मारा था अपने इंटरव्यू में सही है मुझे एनजी पूछता है कि तुम्हारे इतने बकवास ग्रेड्स नहीं हुए सही है स्कूल के क्योंकि मेरा भी सेम यही हाल था केमिस्ट्री ई फिजिक्स ई सही है सब में ई था मेरा सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर में ए था क्योंकि वो उसमें कुछ करना नहीं होता था बनने को सही है अब सीन क्या हुआ कि है ना वो मुझसे पूछता है कि तुम्हारे इतने बुरे ग्रेड्स क्यों थे मेरे मुंह से निकल गया मैं सीरियस नहीं था पढ़ाई के बारे में अबे भाई जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने उस वक्त कर दी थी और जो मेरे मुंह से निकल गया अच्छा मेरे मुंह से निकला मेरे अम्मी अब्बा साथ बैठे वो लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं उन्होंने तो कहा गया इसका तो गया लेकिन जो बस हुआ था मेरे साथ सीडर में बहुत ऑफ सीन हो गया था थोड़ा सा जो तुम्हें को पता है मेरे ख्याल से मुझे पता है टॉपिक उठा लेते हैं भाई मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना इस पे बात करो कोरोना पे करो लॉकडाउन पे करो आप अबे लॉकडाउन को अबे फिर तुम लोग लॉकडाउन पे बात करेंगे तुम लोग वहीं चले जाओगे जहाँ जाते हो तुम अच्छा चलो सही है बताओ भाई आप लोग आजकल जो है उस काम के अलावा क्या कर रहे हो वापस शुरू करते हैं वापस पूछा सही से सवाल पूछा अभी लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो आजकल लॉकडाउन में क्या कर रहे हो आप अबे मैं तुम्हें बताऊं देखो लॉकडाउन का ही तो सबसे बड़ा मसला ये है देखो ये तो कोरोना वायरस ऐसी कोई चीज है नहीं कि जो है ना यानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी एक ही झटके में सही अबे 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी ये वाली सही है ना हाँ हाँ और ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये लॉकडाउन खत्म होगा ना सही उसके बाद लोग ऐसे जंगियों की तरह बाहर निकलेंगे सड़कों पे और जो बात है जो बात मुझे तो लगता है कि तब केसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जो बात हाँ हाँ अभी क्या पता अभी तक कंट्रोल है लॉकडाउन खत्म हुआ सब भेड़ बकरियों की तरह बाहर आ गए उस पक बढ़ गया तो अभी तो बहुत सारे मतलब टेस्ट भी नहीं है सुनने में आया मुझे कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो इन्फेक्टेड है लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा अबे यार मेरे हिसाब से पाकिस्तान में लॉकडाउन के इलाके में आ गए भाई शायन के इलाके में आ गए क्या अबे मेरे घर के सामने वाली गली में ना किरायेदार आए अमेरिका से उनको करोना था चॉकलेट के बजाय करोना लगाया और फिर उनके दो बच्चों को भी करोना लगा दिया अबे तो अगर वो अमेरिका से आए एक हफ्ते उनको कंफाइंड जगह पे नहीं रहना होगा मतलब सॉरी क्वारंटाइन कितने तुम्हें पता है कितने अकलमंद है कैसे हराम भाई में सब में सबसे आगे भी बना नहीं मेरा कजन आया था यूके से तो अमेरिका यूके वगैरह से आ रहे हैं सब क्या कर रहे हैं देसी प्लेन के अंदर पैनाडोल खा लेते हैं बुखार के जो है ना आपका शो नहीं होता जब एयरपोर्ट पे चेक करते हैं घर जाते हैं बुखार करोना था बाकियों में फैला दिया ये क्या मोबाइल से कुछ याद आया अबे हमने भी यही किया ये बात कर रहा हूँ मैं यही है वो दो खबीज देख ले आप दुबई के एयरपोर्ट पे पॉन्सून खा ली थी ताकि अगर बुखार हो तो
तूने तो खा ही नहीं पहुंच रही यार लांती सही बात है बिल्कुल तो बहुत कुछ चला है बहुत सारे रिलेशनशिप चले निक्सर से सीडर लॉन्ग डिस्टेंस का मसला नहीं है मसला ये है कि आस पास भी जो है ना तुम समझ नहीं रहे ना जो बात है ओए हसन तुझे वो याद है अपने एफपीएस का इंटरव्यू जब हम दोनों साथ गए थे फर्स्ट टाइम वो उस वक्त वो कौन था यार किसने इंटरव्यू लिया था तुम्हारा तुम्हारे टीचर भी होंगे वो चश्मा वाले शामिर के कजन जो थे सरोजर की बात एफपीएस में शामिर का कजन है हाँ यार वो सरोजर है उसके कजन है पता नहीं उसका कोई फैमिली फ्रेंड है कोई उसने इंटरव्यू लिया था अबे उस टीचर नहीं है वो है प्रिंसिपल है भाई वो अब केमिस्ट्री के लिए मशहूर थे मैंने सुना था हां हां तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो जाहिर है हां तो वही तो बोले यार अबे उन्होंने इंटरव्यू लिया ना वो भाई उन्होंने पता नहीं क्या मेरे मजाक उड़ाना चाह रहे थे क्या बोलना चाह रहे थे उन्होंने मेरी फिजिक देखी बोलते हैं यार तुझे तो मैं बास्केटबॉल खिलाऊंगा नहीं पहले बोलते तुझे तो मैं रोइंग करवाऊंगा तो बोलते हैं यार तू लंबा भी है तू भाग लेगा तुझे मैं बास्केटबॉल खिलाऊंगा उस दिन मैं कॉन्टेम्प्लेट कर रहा था कि या तो ये आदमी अंधा है या मैं सच्ची में स्पोर्ट्स में आ सकता हूँ अबे नहीं माला उस पर जो था ना तू हम्टी डम्टी लगता था अब तू जो है साले हालत देख माला को देख कितना अबे नहीं ओए उस वक्त बहुत मोटा था मैं तो एक बार बता रहा हूँ अभी जब मैं जीके से वापस आया हूँ ना मैं बहुत पतला होकर आया था और फिर उसके बाद मैंने फिर बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया उसके बाद से और लेकिन अभी भी उस टाइम से कम उस टाइम से पतला हूँ मैं उस वक्त बहुत मोटा था भाई पागल हो गया हो जाएगा अभी लेकिन तू सही था पहले यार क्या कहते हैं जीके जाने से पहले पता ही नहीं चल जाएगा तूने क्या किया ओए उधर जाके लूज के मैंने क्या हो गया तुझे सेकंड के बाद कम हो जाते हैं तुम अजीब ओए उधर लूज के यहां पे आके वापस गेंद किया अम्मा वैसे मेरी अम्मा बोल देती है ना कि तुमने लूज किया उसके बाद में किसी को नहीं सुनता कि मेरी अम्मा ने आज तक मुझे नहीं कहा तूने वेट लूज किया जब मैंने वेट लूज किया तो उस वक्त भी अम्मा ने नहीं कहा अब जाके अम्मा ने बोला था अगले सेमेस्टर से है ना सुबह को जाएंगे जिम यार सुबह 5 बजे के करीब मेरे एल्स से अबे यार सुबह सुबह जिम भाई आपको पता नहीं है क्या होता है इसीलिए तो कह रहा हूँ